1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए वीर सैनिकों की याद में एवं वीर नारियों और भूतपूर्व शूरवीर सैनिकों के सम्मान में 16 दिसंबर को 50 वर्ष पूरे होने पर जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय परिसर में विजय दिवस मनाया गया। इस पावन अवसर पर डीएम विजय किरण आनंद, एसएसपी डॉ. विपिन ताड़ा सहित पूर्व सैनिकों द्वारा अमर शहीद वीर सपितों को श्रद्धांजलि दी गई तथा भूतपूर्व शूरवीर सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया गया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि जनपद के सभी पूर्व सैनिकों ने सेना में सेवा दी है और लगातार देते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके परिजनों को किसी प्रकार की सुरक्षा और सम्मान में कमी आने नहीं दी जाएगी, इसके लिए प्रशासन दरवाजे खोल कर बैठी हुई है और अगर सैनिक परिवार को किसी भी तरह की समस्या आती है प्रशासन पुलिस विभाग उसका तत्काल निस्तारण करेगा। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारी एवं विंग कमांडर मुकेश तिवारी तथा जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, अभी अपने जिले की 50वां साल मना रहे वहां जाएंगे जहां पर वीर नारी और बुजुर्ग हमारे सैनिक हैं। अरे वाह, गाजियाबाद में सर। यस 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 सर, वेरी नाइस सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल चाय पीना है। अभी आजकल बोल कर ठीक कर रहे हैं। हाँ, वो पेपर में पढ़ा मैंने, और बढ़िया कर रहा है सर। मतलब अभी कलेक्टिंग डाटा बाइट गुड इवनिंग आकर कलेक्ट ऑल डाटा गवर्नमेंट पासिंग तो देन विल कम टू नो व्हाट फिगर ऑफ एक्टिविटी इज की। और सुबह से ले नए फॉर्म 9 o'clock टू लेट 10 o'clock आई एम ऑन द ग्राउंड। Thank you.
उपस्थित मेजर जनरल शिव जसवाल अति विशिष्ट सेवा मेडल, मेजर जनरल अतुल वाजपेयी जिले को सुरक्षित रखने वाले, जिले की व्यवस्था को। आज का दिन भारतीय सेना और भारतीय इतिहास जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश के नाम से आज जाना जाता है, और ये काम करके हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती कमला देवी, थोड़ा किनारे रोक दीजिए, एक ग्रुप बनाएंगे, माला हरीश चंद्र श्रीवास्तव, शंभुनाथ तिवारी। आज बड़ा गर्व का दिन है हमारे लिए। आज के दिन ही 1971 में भारत ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी और बांग्लादेश को आजाद करवाया था। आप सभी के लिए ये एक और विशेष दिन है, क्योंकि आज के दिन 50वीं वर्षगांठ 1971 की पूरी हो रही है। 50 साल पूरे हो गए उस गौरवमय गाथा के, जिसमें आपने और आपके साथियों ने अभूतपूर्व बलिदान दिया। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं, और ये राष्ट्र कृतज्ञ है कि आप जैसे वीर हमारी सेना में, हमारी वायुसेना में, हमारी नेवी में कार्य करते हैं, देश की सेवा करते हैं। इसके लिए हम और हमारे सारे राष्ट्र के नागरिक कृतज्ञ हैं। आपका योगदान अब सेवानिवृत्ति के बाद और महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पहले आप राष्ट्र की सुरक्षा में कार्य करते थे, अब आप राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकते हैं, समाज के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। जैसे कहते हैं वंस अ सोल्जर इज ऑलवेज अ सोल्जर, आज आप देखते हैं आसपास में, क्योंकि मैं पुलिस से हूं तो मैं पुलिस की बात करूंगा, आप देखें युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, छोटे छोटे अपराध बढ़ रहे हैं, परिवारों में बंटवारा, परिवारों में विघटन, तनाव बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में जो हमारा युवा वर्ग है विशेषकर, उसे अनुशासन की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए इंसान भी एक मशीन की तरह है, इंसान के अंदर भी हार्डवेयर है जो हमारी बॉडी है, सॉफ्टवेयर है जो हमारे दिमाग में विचार चलते हैं, हमारे इमोशंस चलते हैं, और जब तक हम अपने विचारों को, अपने इमोशंस को सही दिशा नहीं दे पाएंगे तो हम अपने शरीर से सही कार्य नहीं कर पाएंगे। और सही दिशा विचारों को देने का कार्य वही कर सकता है जो एक अनुशासनात्मक जीवन जिया हो, जिसने अनुशासन जानता हो, अनुशासन की परिभाषा क्या है, अनुशासन का महत्व क्या है जीवन में, इसका बोध हो जिसको, वही अपने जीवन को सही दिशा दे सकता है। स्थिति में नहीं है आज, तो जब प्रभु का आशीर्वाद हुआ हम पर और हम इस स्थिति में है कि हमने कुछ सीखा है, कुछ जाना है, कुछ दुनिया देखी है, तो ये हमारा कर्तव्य। जिसमें से तीन जो बटालियन लेवल अटैक्स थे वो और एनसीसी के छात्रों, मेरे लिए और पुलिस अधीक्षक महोदय के लिए तो सौभाग्य का विषय कि आज के पावन अवसर पर मैं हमारे वरिष्ठ अभिभावकगण, सैनिक परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों के साथ समय बिताने का, स्मरण करने का और इस त्याग और परिश्रम और शौर्य की कहानी दास्तान को सुनने का अवसर मिला, हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। और अभी जो हमारे अतिथियों ने
जो कहानी सुनाई उससे सुनकर हम सब अभिभूत होते ही हैं और याद करते हैं जो सैनिक के मूल्य हैं, सेना परिवार के, सेना के जो मूल हैं, जो अनुशासन है जो हमारे समाज में हमें अंगीकृत करना है। और अभी जो बात आई है ये हम सबका दायित्व है प्रशासन के सभी के ओर से, और हमने हर स्तर पर ये निर्देशित भी किया है और इसका अनुश्रवण भी करेंगे कि सभी सैनिक परिवार और विशेषकर इस धरती पर जहाँ इतने हजारों लोगों ने सेना में सेवा दी है, लगातार देते आ रहे हैं, उनके परिवारों की सुरक्षा सम्मान में कोई कमी ना रह जाए और उनको अवस्थापनाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में कोई कमी ना रह जाए, उसके लिए लगातार सभी दरवाजे खोलकर हम लोग बैठे हुएंगे और हमेशा उनका निरंतर प्रयास रहेगा कि उनको कहीं पे कोई दिक्कत ना आए। और सैनिक परिवारों की जो भी समस्याएं आती हैं उसको प्रथम वरीयता में, चाहे पुलिस से जुड़ी हुई हो, प्रशासन से जुड़ी हुई हो, किसी और विभाग के से जुड़ी हुई हो, या सरकारी योजनाओं में आच्छादन की बात हो, उन सभी में हम लोग निरंतर प्रयास करते रहेंगे। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज के दिन में हम उन यादों को ये करें, याद करते रहें और इस पराक्रम को, इस त्याग और बलिदान की कहानी को याद करते हुए इसके लिए हम और देश को अखंड और मजबूत बनाते हुए जाएं। जो देश के आर्थिक वृद्धि में जो सेना का योगदान रहा है और सेना के जो निरंतर प्रयास रहे हैं सरहदों को सुरक्षित रखने के लिए, हमारा और भी दायित्व बनता है कि हर स्तर पर, हर क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति, चाहे वो प्रशासन से जुड़ा हुआ हो, सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो और या उद्यमी हो, हर क्षेत्र में हम इस देश को अपने और बुलंदी की ओर लेके जाएं। आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए, आप सबके बीच में रहते हुए, हम सबको बहुत, मुझे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा सौभाग्य है। और निरंतर प्रयास करते रहेंगे कि आपसे संवाद स्थापित करते हुए और जितने क्षेत्रों में आपके अनुभव को हम लोग साझा कर सकते हैं, आपके अनुभव से हम सीख सकते हैं और लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं, इन मूल्यों को और अंगीकृत करा सकते हैं, उसमें निरंतर प्रयास किया जा रहेगा। मैं एक और बार आप सबको आज के इस पावन अवसर के लिए ढेर सारे स्मरण करते हुए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम विंग कमांडर मुकेश तिवारी है, मैं यहाँ पे जिला सैनिक कल्याण अधिकारी हूँ गोरखपुर जिले का। आज जो हमने ये 1971 के स्वर्णिम अवसर पर इस पावन पर्व पे एक कार्यक्रम का जो आयोजन किया है वो ये दर्शाने के लिए है कि जो हमें, जो हमारा गौरवमय इतिहास रहा है सेना का, उससे आगे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिले, वो सीखें कि किस तरीके का जीवन सेना में व्यतीत किया जाता है, कितना बलिदान दिया जाता है, कितने देश के प्रति सम्मान के रक्षा के लिए कितने जान की आहुति दी जाती है। तो उसी के लिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया। यहाँ पे जितने भी 1971 के वॉर हीरोज़ थे, वीर नारियाज हैं, उन सबको सम्मानित किया गया और उसमें हमारे जो पुराने सैनिक हैं उन्होंने अपने संस्मरण भी साझा किए लोगों के साथ। जिलाधिकारी महोदय, SSP महोदय सब आए थे, उन्होंने भी आशीर्वचन दिए और एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे हम लोगों ने आज संचालित किया। आज विजय दिवस के पावन अवसर पर सभी वरिष्ठ सेना से जुड़े हुए पूर्व सैनिकों को सम्मान किया गया, सैनिक परिवारों को सम्मान किया गया और आज एक खुली गोष्ठी यहाँ हुई है, बहुत अच्छी चर्चा हुई, यादों उनके स्मरण किया गया, श्रद्धांजलि दी गई है और ध्वजारोहण भी किया गया और ये आश्वस्त किया गया किसी को कोई भी समस्या सैनिक परिवारों को गोरखपुर के आती है तो प्रशासन के साथ बताएं, हम लोग सामंजस्य के साथ उनको निराकरण करेंगे और सुनिश्चित कराएंगे। और यहाँ पे जो सैनिक कल्याण बोर्ड है उसको भी सुदृढ़ व्यवस्था करने के लिए शासन के मंशानुरूप कार्रवाई की जाएगी।